अहिल्या ओजस्वी मातृ संगठन द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। तो वहीं इस मौके पर विधायक उषा ठाकुर एवं दुर्गा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष माला सिंह ठाकुर भी मौजूद रहीं। देखिए रिपोर्ट। अहिल्या ओजस्वी मातृ संगठन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की जानी मानी महिला नेत्रियों ने शिरकत की। उनका मातृ संगठन द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया तथा अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। रिवॉल्वर साफ करते हैं, उनके पास में थोड़ा आदि लूटा है, उसमें से कुछ अगर उनको दे दिया जाए वो इलाज भी करा लेंगे। बहने भूखे दे रही हैं, तब तक एक बहुत छोटी सी बात है। आप बेहतर ढंग से काम करते हैं, अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन है, तो सभी लोग सीधी प्रेजेंटेशन जब तक सीधी प्रेजेंटेशन तैयार होता है हमारे लिए निशा की इस दौरान दुर्गा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष माला सिंह ठाकुर ने मंच से ओजस्वी उद्बोधन देते हुए महिला शक्ति को संबोधित किया। इस दौरान हिंदू नेत्री ठाकुर ने देश काल और ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए नारी के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही हिंदू धर्म में सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में कभी स्त्री का स्थान दोयम दर्जे पर नहीं रहा है, स्त्री के मान सम्मान का स्थान सदैव प्रथम रहा है। आज जब हम नारी सम्मान नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हम जिस देश में रहने वाले हैं वहां स्त्री कभी भी दोयम दर्जे की नहीं रही। जब हम बहुत पुराने समय में बात करते हैं तो माता सीता से लगा करके जब बात करें तो तब भी स्वयंवर हुआ करता था, और पीछे जाते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि जब भी युद्ध के लिए कोई राजा जाते थे तो बकायदा रानी उनको तलवार देती थी, तिलक लगाती थी और रणभूमि में जाने के लिए आग्रह करती थी, लेकिन जब कोई दुखद खबर आती थी तो विलाप करने के बजाय वही रानी तलवार लेकर के अपने उस प्रजा की रक्षा के संकल्प के साथ धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और उन सब लोगों की रक्षा के लिए जिनका पूरा विश्वास राजा के साथ था उनके लिए रणभूमि में कूद जाती। तो ऐसा कभी इस देश में रहा ही नहीं जहां हम बात करते हैं सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की और राधा श्याम की, तो स्त्री तो कभी दोयम दर्जे की रही नहीं। नारी सम्मान शुरू से हमारी प्राथमिकता में रहा है। जितना मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम अपनी माँ का नाम लेते हैं उतने ही मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिस हम धरती पर है उसका भी नाम लेते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रसंग हम सबको ध्यान में होंगे ही। इस दौरान महू विधायक उषा ठाकुर ने अहिल्या ओजस्वी मातृ संगठन की जमकर तारीफ करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं अपनी सभी बहनों को बहुत प्रणाम करने आई हूं। अहिल्या ओजस्वी जो नारी संगठन निर्माण किया वो निश्चित रूप से समाज के दुख दर्द को समेटते हुए देश की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगा, उन्हें संस्कार संस्कृति की ओर ले जाकर एक वैभवशाली सुसंस्कृत समाज के निर्माण में हम सब बहनें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
तो वहीं अहिल्या ओजस्वी मातृ संगठन से जुड़ी मोनिका शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। सर आज सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो शहीद हुए हैं हमारे देश के वीर जवान, उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और साथ में उनके परिवारों को ये संबल बंधाना चाहती हूँ कि पूरा देश उनके साथ है। देश की हर माताएँ, हर बहन, वे सभी के भाई थे और सभी उनके साथ है। जो भाई हमारे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं मंगल कामनाएं करती हूँ। इसके साथ में ही आज मेरी जो संस्था है, हमारी संस्था की सभी बहनें हैं, अहिल्या ओजस्वी मातृ संगठन ग्रुप है, इसके माध्यम से शहर में जो अलग अलग क्षेत्र में मातृशक्तियाँ काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, अधिवक्ता के रूप में महिलाएँ हैं, ज्योतिष के रूप में हैं, ऐसी हम 11 महिलाओं को आज सम्मानित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अहिल्या ओजस्वी मातृ संगठन द्वारा बीते 3 वर्षों से लगातार महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। आज इसी तारतम्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।